हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक चौधरी के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ाई करें, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स होने चाहिए जो हम पढ़े जिससे हमारा NDA 2023 क्लियर हो सके। सो आज की वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बच्चा बहुत सारी मार्केट्स के अंदर बुक्स अवेलेबल है, सर ये बुक अच्छी है, सर वो बुक अच्छी है, तो किससे हम पढ़ाई करें कि फाइनली हमारा जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहली बात, देखो बुक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन वो है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से जहाँ से क्वेश्चंस आपको फंस रहे हैं और उनको आपको जो है कवर करना ही करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो कवर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका दैट इज़ मैथ्स, ठीक है जी। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं बट बच्चा जो सबसे ज़्यादा डरता है वो मैथ्स से डरता है, तो उसके बारे में ही सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है जी। मैथ्स के अंदर सबसे पहली किताब जो आपको रेफ़र करनी है दैट इज़ अरिहंत 3000, ठीक है जी। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर इस किताब से। सेकंड बुक जो है हमारी दैट इज कंप्लीट गाइड टू NDA मैथ, ठीक है जी। ये किताब किसकी है, ये अर्पित सर की बुक है, ठीक है। इस किताब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, अब तक की बेस्ट सेलर है, मोर देन 10,000 बुक्स जो है वी हैव ऑलरेडी सोल्ड, यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इस किताब का, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। 110% अगर आप मैथ्स के अंदर फोबिया, आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बुक फॉर यू, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन कवर इस सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो होता है दैट इज मॉक टेस्ट एंड PYQs, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं होती आपको। यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे आप NDA छोड़ के, चाहे CDS हो, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, चाहे वो आपका SSC का पेपर हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होते ही होते हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं बिना किसी के बोले, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट जो है, ये मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो SSB गाइड जो हमारी ऐप है उसके ऊपर मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है NDA मैथ की, ठीक है जी। ये मॉक टेस्ट आपको जो है SSB गाइड ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स के आपको जो है मॉक टेस्ट मिलते हैं, एंड इसकी जो कॉस्टिंग है दैट इज फॉर 599, ठीक है जी। 599 रुपये के आपको जो है 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, अपनी मैथ्स की 2-3 किताबें अगर आपके पास पढ़ी है तो अपने ब्रदर को, सिस्टर को, रैंडमली जो आपके चैप्टर्स प्रिपेयर हो चुके हैं उसके ऊपर टिक लगा के दे दो और उनको बोलो कि इस चैप्टर, इस बुक्स में से किसी भी क्वेश्चंस को फोटो क्लिक कर कर एक पूरी जो है PDF बनाएं, या फिर क्वेश्चंस टिक कर दें आपके लिए और 120 क्वेश्चंस का एक टेस्ट प्रिपेयर करें, जो जो जैसे 3 किताबें आपने दे दी एंड चैप्टर्स मार्क कर दिए कि ये भाई 12 चैप्टर्स इसमें से, 10 चैप्टर्स इसमें से, 10 चैप्टर्स इसमें से कवर कर ले और मुझे है जो एक टेस्ट प्रिपेयर कर दे अच्छा सा। तो ऐसे जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट की, यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये तो बात होगी हमारी मैथ्स की, कि मैथ्स के अंदर अगर आपने इतना कर लिया और बेसिक आपको करना है दैट इज़ NCERT। ये NCERT तो कॉमन लेमैन के लिए है, वैसे NCERT के लेवल का मैथ्स अब आता नहीं है, बट ये जो है स्टार्टिंग है, बेस है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो मैथ्स के लिए आपका जो है तैयार है पेपर फॉर NDA 2023, ठीक है जी। अब बात आती है GAT की, तो GAT के अंदर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंग्लिश, ठीक है जी। पता है भाई 200 नंबर की आ रही है, 600 नंबर टोटल है, जिसके अंदर से 200 नंबर आपका जो है सिर्फ इंग्लिश लेके जा रहा है, ठीक है जी। इंग्लिश क्या है, आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से मार्क्स आप खींच सकते हो। GAT के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो दैट इज फ्रॉम दिस पोर्शन, इंग्लिश के पोर्शन से। सो इंग्लिश के अंदर आपने करना क्या है, देखो इंग्लिश के लिए आपने सबसे पहले जो है अपने मेंटर्स को चूज करना है, ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर कोई किताब आपको एज सच पेपर के बारे में नहीं गाइड करेगी कि यार ये क्वेश्चंस जो आपको इंग्लिश के अंदर आएंगे, बिकॉज इंग्लिश किसी भी किताब को चाहे पढ़ लो आप, चाहे SSC की किताब हो, कोई बैंकिंग की किताब हो, चाहे रेलवे की किताब हो, सबके अंदर कंटेंट जो है ना इंग्लिश का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट करेगा कि कौन सा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है,
दैट इज योर टीचर्स, ठीक है जी। किताबें मैटर नहीं करती, सबसे पहली बात होती है दैट इज योर मेंटर्स, दैट इज योर टीचर्स दैट मैटर्स। सो यहाँ पर आपको जो है मेंटर्स अपने चूज करने हैं, यहाँ पर जो आपको पार लगाएंगे, एंड यहाँ पर आपको पता है भाई कि आपके जो टीचर्स है दैट इज धीरज सर एंड गौरी मैम, यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैथ्स के लिए आपको पता भाई अर्पित सर और प्रवीण सर वहाँ पर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड यहाँ पर धीरज सर और गौरी मैम के जो नोट्स हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैम ने, गौरी मैम ने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि आप अगर वो नोट्स कवर कर लेंगे, आप वो क्लासेस अटेंड कर लेंगे, देखो क्लासेस चल रही हैं संकल्प के ऊपर भी एंड कभी कभार अभी जो है चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर भी, अगर आप वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं आई मेक श्योर कि आप जो है वो एग्जामिनेशन एनडीए 2023 का क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इनके नोट्स रेफर करिए, वो मोर देन सफिशिएंट है बिकॉज प्रीवियस 6 ईयर्स से वो सिर्फ इसी कैटेगरी के अंदर टीच कर रहे हैं एंड यहाँ पर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उन्हें पेपर के अंदर। इस बार भी दोनों टीचर्स का आप कह सकते हो 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 40-42 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली इनके नोट्स से आए हैं, तो अगर आप इनके नोट्स रेफर कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है जी। इनके लिए सबसे बेसिक जो ब्रह्मास्त्र है दैट इज एनसीईआरटी एंड प्लस आपके जो है नोट्स होंगे, आपके जो एजुकेटर्स, आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है जी। अगर आप कोई बैच रेफर कर रहे हैं तो संकल्प बैच रेफर कर सकते हैं, पेड बैच है ये हमारा, एसएसबी गाइड आपके ऊपर, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट संकल्प बैच के नोट्स जो होंगे प्लस यूट्यूब लेक्चर्स हैं किसके, श्वेता मैम के और यहाँ पर कनिका मैम के, ठीक है जी। श्वेता मैम प्लस कनिका मैम के जो लेक्चर्स होंगे वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पर हमारी हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर आप मेरे यार यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स और नोट्स पढ़े हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। सेम गोज फॉर हिस्ट्री, अगर आपने फिर भी बुक को रेफर करनी है यहाँ पर देखो, क्योंकि बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के आपने रेफर करनी है दैट इज़ नोट्स और लेक्चर्स, बिकॉज वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आपने क्या पढ़ना है, बिकॉज बहुत वास्ट है। फिर भी अगर आप कहते हो कि सर नहीं मुझे बुक्स बता ही दो आप, तो हिस्ट्री की अगर मैं आपको बुक की बात करूँ, हिस्ट्री की सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूँ आपको दैट इज स्पेक्ट्रम, सेकेंड होगी बिपिन चंद्र एंड थर्ड होगी लूसेंट जी के, एंड इंक्लूड करना है साथ में क्या, नोट्स और लेक्चर्स, ठीक है जी। अब बात आती है ज्योग्राफी की, देखो पॉलिटी के अंदर तो सिर्फ नोट्स और लेक्चर्स मोर देन इनफ है बिकॉज क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट फिर भी अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बता दिया बाइफर्केशन, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र और लूसेंट जी के प्लस नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है जी। ज्योग्राफी की बात करूँ तो सेम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी प्लस माजिद हुसैन एक किताब है जो कि बहुत ज़बरदस्त किताब है ज्योग्राफी के लिए, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ये बुक्स दोनों आप रेफर कर सकते हैं, साथ में जतिन सर के और सन्नी सर के नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी के लिए मेरे नोट्स पढ़े हैं और मेरे यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े हैं वो आप कवर कर सकते हैं, एंड यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए सन्नी सर और जतिन सर के जो है नोट्स पढ़े हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ में बुक जो है आपने रेफर करनी दैट इज माजिद हुसैन। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर्स एंड लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये अगर आपने चीज़ें फॉलो कर ली तो आपका कोई भी, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपका लेवल बूस्ट होगा, ठीक है जी। एडवांसमेंट होगी आपकी, एनहांसमेंट होगी आपकी आपके स्कोर के अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड बाकी ये लुक बुक्स का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है सो आप ये बुक बाय कर सकते हैं एंड अपने एनडीए 2023 के जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। सो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।